फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं पीनट्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मूंगफली। तो मूंगफली की अगर हम बात करें तो सर्दियों में मूंगफली खाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मूंगफली के बहुत सारे फायदे भी हैं। मूंगफली हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्यकर है, लेकिन कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिनमें मूंगफली नहीं खाना चाहिए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर हम इसके पोषक तत्व के बारे में देखें तो मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, इसके अलावा कार्ब्स भी होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में अगर हम पहले से ही जाने तो इसका सेवन नहीं करेंगे और इसके होने वाले जो साइड इफेक्ट है या फिर जो नुकसान है उससे हम खुद को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें है ओबेसिटी। फर्स्ट है इसमें ओबेसिटी, मतलब कि अगर आपको मोटापे की समस्या है। मोटापा हम कब कहते हैं, जब हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट बहुत अधिक होता है, जैसा कि मेरा है, तो हम उसको मोटापा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मोटापा है, उसका वेट बहुत ज्यादा है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसको मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूंगफली में अधिक मात्रा में फैट होता है और बहुत अधिक कैलोरी भी इससे मिलती है। और इस वजह से अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं वेट कम करने की, तो फिर वहां पे आपकी डाइट बेकार हो जाएगी। आप डाइट ले रहे हैं अपना वेट कम करने के लिए, लेकिन आप सर्दियों का मजा लेने के लिए मूंगफली खा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया। फिर आपका वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि आपका वेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। तो अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो हमको वहां पे मूंगफली का सेवन नहीं करना है, और अगर हम कोई डाइट ले रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहां पे तो बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करना है। नेक्स्ट सेकेंड है इसमें कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड है कॉन्स्टिपेशन या फिर इनडाइजेशन, मतलब कि जिन व्यक्तियों को ऐसी समस्या है कि उनको कब्ज रहता है या फिर उनकी पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं रहती है, हमेशा उनको बदहजमी बनी रहती है, पेट फूला फूला रहता है, गैस बनती है, अच्छे से वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो उन व्यक्तियों को भी मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इनकी समस्या बढ़ सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो मूंगफली होती है उसमें अधिक मात्रा में फैटी एसिड होते हैं और फाइबर भी होता है, लेकिन अगर व्यक्ति को पहले से ही ये समस्या है कि उसको पाचन प्रक्रिया उसकी ठीक नहीं है, उसको इंडाइजेशन की समस्या है, पेट फूलने की समस्या है, कब्ज की समस्या है, और उस दौरान अगर वो मूंगफली का सेवन करेगा तो फैटी एसिड की वजह से ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो उन व्यक्तियों को मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी भी व्यक्ति को बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को दिल की बीमारी है या फिर उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, अधिकतर ज्यादा रहता है, तो उन व्यक्तियों को भी मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मूंगफली होती है उसमें एक और तत्व होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम, और सोडियम का लेवल अधिक होने की वजह से जो भी दिल की बीमारी वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए ऐसे फूड मना होते हैं जिनमें सोडियम होता है, और मूंगफली में भी सोडियम है, वो भी अधिक मात्रा में, इसलिए मना किया जाता है कि जो दिल से संबंधित बीमारियों वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, उन व्यक्तियों को मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर में भी हाई हो सकता है, क्योंकि जो जब वो मूंगफली लेंगे तो उनके शरीर में सोडियम का लेवल बढ़ेगा और इस वजह से बीपी की समस्या में भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट, अगर किसी भी व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्या है, अगर फैटी लीवर की समस्या है तो उन व्यक्तियों को भी मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला तो उसका लीवर फैटी लीवर है, दूसरा जब वो मूंगफली का सेवन करेगा तो मूंगफली में भी फैटी एसिड है, तो जो लीवर है वो जब ऑलरेडी फैटी है और ऊपर से व्यक्ति फैटी एसिड ले भी रहा है, तो उसकी वजह से जो लीवर होगा वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उस फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और इस वजह से लीवर से संबंधित जो भी परेशानी है वो बढ़ जाएंगी, और जब लीवर से संबंधित परेशानियां बढ़ेंगी, व्यक्ति के शरीर में सूजन की समस्या होगी, व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, उसके आंखों के नीचे डार्कनेस हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको नोजिया ओमिटिंग होगा, जी मिचलाएगा, और पेट फूलने की समस्या तो उसको होगी ही होगी। तो अगर आपको लीवर से संबंधित बीमारी है, खास करके फैटी लीवर है, तो वहां पे मूंगफली का सेवन नहीं करना है। या फिर अगर आपको किसी भी तरह की पीनट्स से एलर्जी है, जैसे बहुत लोगों को कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनसे एलर्जी होती है, मूंगफली से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है, बहुत लोगों को अखरोट से एलर्जी होती है, बहुत लोगों को हरी मटर से एलर्जी होती है, बहुत लोगों को अदरक से एलर्जी होती है, तो इसी तरह से अगर आपको इससे एलर्जी है, पीनट्स से या मूंगफली से एलर्जी है, तो उन
व्यक्तियों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति इसको खाता है और उसको एलर्जी है, तो इसकी वजह से उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे लाल लाल कलर के चकत्ते होने लगते हैं, रैसेस होने लगते हैं, उनमें खुजली होने लगती है, सूजन भी हो जाती है, तो उसके लिए नुकसानदेह हो जाता है उसके स्वास्थ्य के लिए। जहाँ वो खा रहा था अपने स्वाद के लिए, वहां पे उसके स्वास्थ्य से संबंधित उसको समस्याएं होने लगती हैं। तो अगर ये पांच बीमारी पहले से ही किसी व्यक्ति को है, तो उन लोगों को मूंगफली का मतलब पीनट्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। या फिर आप इनका सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से अपनी सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई डायटिशियन है तो आप उनसे भी राय मशवरा कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।